जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट इस दिन आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए गुड न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है कि जो भी बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपका रिजल्ट है कब आएगा, तो वीडियो को पूरा देख लेना है, तभी आपको अच्छी समझ में आ पाएगा। मैं आपको रिजल्ट से संबंधित हर अपडेट सबसे पहले देता रहता हूं, आपको भी पता है जो भी एसबीई चैनल से जुड़े हुए। चलिए एक नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं, वहाँ पर हम देखेंगे हमारा रिजल्ट किस तारीख को आने वाला है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, नोटिफिकेशन जो कि हमने डाउनलोड कर लिया ऑफिशियल वेबसाइट से, और यहाँ पर लिखा गया है कि सत्र 2021-22 परीक्षा परिणामों की जानकारी, यानी कि बीए बीएससी बीकॉम बीसीए बीबीए के जो भी स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के, आपकी परीक्षाएं, जैसा कि आप सभी को पता है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी ज़्यादातर जो परीक्षाएँ 10 अगस्त को समाप्त हो चुकी हैं फर्स्ट ईयर की, ठीक है। आपकी 10 अगस्त को परीक्षा यहाँ पर समाप्त हो चुकी हैं, और इसके बाद में आपका जो रिजल्ट है वो कब आएगा, यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है। 10 अगस्त को ये किसी की यहाँ पर जो परीक्षा समाप्त हुई हैं वो हुई हैं 29 जुलाई को, यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं बीए बीएड बीएससी बीएड की कुछ जो परीक्षाएँ वो अलग टाइम पर जो कि हुई हैं ख़त्म, ठीक है। इसके बाद में अगर हम रिजल्ट के बारे में बात करें, तो रिजल्ट के बारे में यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है, यहाँ पर बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से अपडेट आ रहा है। मैं आपको पता है कि वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ रिजल्ट से संबंधित, तो यहाँ पर जो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है 15 सितंबर तक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 15 सितंबर डेट बताई गई है कि सभी विषयों की परीक्षाओं का जो रिजल्ट है वो 15 सितंबर तक आ जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 15 सितंबर तक नहीं आ पाता है रिजल्ट, तो यहाँ पर एक आध दो दिन 10-12 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। मैं काफ़ी टाइम से वीडियो बना रहा हूं, और यही होता है कि जो तारीख बताई जाती है उसके 10-12 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, नीचे नहीं होता है, हमेशा ऊपर ही जाता है। तो जो 15 सितंबर यहां पर फर्स्ट ईयर रिजल्ट के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर 15 सितंबर तक ना आ करके सभी रिजल्ट 30 सितंबर तक आएंगे। यहाँ पर 15 दिन ऊपर गए नीचे हो जाता है, कोई छुट्टियाँ हो जाती हैं, किसी कारणवश कोई हो टेक्निकल इशू हो जाता है, तो इस वजह से क्या है, इस पर 15 दिन और मान के चले, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट है 15 से 30 सितंबर के बीच में सभी रिजल्ट आ जाएंगे फर्स्ट ईयर के बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के। और यहाँ पर आप सभी को पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो रिजल्ट अनाउंस किए जाते हैं केवल और केवल मध्य प्रदेश की एक इकलौती यूनिवर्सिटी है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, जिसके रिजल्ट सबसे पहले आते हैं। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद में ही धीरे धीरे सभी के रिजल्ट आ जाएंगे। इसके बाद में जीवाजी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आएगा, विक्रम यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आएगा। अगर हम सबसे लास्ट में बात करें तो एपीएससी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आता है, इसके बाद में आता है छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का। इन दोनों यूनिवर्सिटी के रिजल्ट हैं लगभग लगभग अक्टूबर में आएंगे, और अक्टूबर में कब आएंगे, 15 से 30 अक्टूबर के बीच में आएंगे। इन रिजल्ट में 1 महीने का गैप रहता है। तो जो एपीएस यूनिवर्सिटी के और सीएसयूसी यूनिवर्सिटी यानी कि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी, जिसका नाम राजा शंकर साय यूनिवर्सिटी का, इनके रिजल्ट अक्टूबर में जारी किए जाएंगे। या फिर अदर यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट हैं जो इन यूनिवर्सिटी में नहीं हैं, तो जो रिजल्ट हैं 30 सितंबर से लेकर के यहाँ पर 30 अक्टूबर के बीच में सभी रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे फर्स्ट ईयर के। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, सभी रिजल्ट 30 सितंबर से 30 अक्टूबर के बीच में आ जाएंगे, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे समझ में आ गए हो। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आया है, और जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते जाएंगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी बताता जाऊँगा। आप किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मैं अगली वीडियो में आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में अपडेट दे सकूं। उम्मीद कर रहा हूं सारी जानकारी अच्छे समझ में आ गई। इस नोटिस को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर करते समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय।